हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी के बारे में। मैं खुद ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ एंड इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप हर महीने स्टॉक मार्केट से डिसेंट अमाउंट अर्न कर सकते हैं एंड ज़्यादा अमाउंट भी एंड अर्न कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल लॉट्स में करें तो। ये स्ट्रैटेजी मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी पोजीशन अभी 7,000 प्रॉफिट में चल रहा है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 9,000, 4,000। आगे पता चलेगा इसमें मैक्सिमम मुझे कितना प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पे 17,000 दिख रहा है, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि अगर कुछ भी आपने मिस किया तो हो सकता है आपको लॉस हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो कैसे काम करता है। सपोज़ किसी स्टॉक का प्राइस है 90 रुपीज़ और उसके 100 रुपीज़ का जो कॉल है उसका प्राइस चल रहा है सपोज़ से 5 रुपीज़। तो जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन इस 5 रुपये का क्या होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर तो ये 100 पे क्लोज़ हुआ तो फिर ये 5 रुपये हो जाएंगे ज़ीरो। अगर 105 पे क्लोज़ होता है तो फिर ये 5 का 5 ही रहेगा। अगर ये 110 पे क्लोज़ होता है तो ये प्रीमियम हो जाएगा 10 रुपये। यानी कि अगर आपने 5 में बाई किया है तो 105 तक अगर क्लोजिंग होता है तो आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। अगर 110 पे क्लोजिंग होगी तब जाके आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। मतलब ये है कि जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे जैसे 100 है, 100 के ऊपर जितना भी प्राइस जाएगा, 115 अगर गया तो क्लोजिंग पे इस पर्टिकुलर 5 रुपये का जो प्रीमियम है वो आपका 15 रुपये हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स जाएंगे वो आपका क्लोजिंग प्रीमियम रहेगा। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ एंड आपको बताता हूँ क्या वो स्ट्रैटेजी है। पहले तो मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर पे आता हूँ। यहाँ पे ऑप्शंस में, यहाँ पे मैंने 29 अगस्त लिया है नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी। ये 25,000 का कॉल है जो कि करंट जो निफ्टी का चल रहा है उसके बाहर है। इसको मैं करूँगा सेल और उसके अगेंस्ट में मुझे एक इंश्योरेंस बाई करना है क्योंकि अगर 25,000 के ऊपर जाता है मार्केट तो फिर मुझे लॉस हो सकता है। उसके लिए मैं बाई कर रहा हूँ फ्यूचर्स। 29 अगस्त का फ्यूचर्स यहाँ पे 24,750 चल रहा है, इसे मैं बाई कर लेता हूँ। फिलहाल मैं एक ही लॉट पे आपको समझा रहा हूँ, अगर आप इस पे माहिर हो जाएं तो आप मल्टीपल लॉट्स कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी यूज़ करने के लिए आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 82,420 का फंड्स चाहिए। मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं 14,650। ये यहाँ पे कैसे आया मैं एक्सेल में भी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, बट ये चीज़ आप ध्यान रखिए 14,650 का आपका मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट इज़ 20%। सो मंथली अगर आप 20% निकाल रहे हैं मार्केट से तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है। सपोज़ कीजिए आपने अगर ये 10 लॉट के साथ किया तो 1,14,000 के आसपास आपका मंथली प्रॉफिट हो सकता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक कॉल बेचा है और फ्यूचर्स बाई किया है। अब ये कुछ स्ट्राइक प्राइस है जो कि मैं एक्सपायरी की, अगर इस प्राइस पे एक्सपायरी होती है तो क्या आपका प्रॉफिट होगा या क्या लॉस होगा उसके, वो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताता हूँ। सपोज 24,000 पे निफ्टी क्लोजिंग देती है अगस्त का एक्सपायरी, तो यहाँ पे आपको ये भी हो जाएगा -750 दिखेगा। ये इसके बारे में भी मैं आगे बताने वाला हूँ कि ये -750 जो आपको लॉस होगा वो कैसे कवर करना है। इसको मैं यहाँ पे पूरे में डाल देता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 25,000 पे अगर बंद होता है तो ये 36,336 जो अमाउंट है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 336, ये ज़ीरो हो जाएगा। ये मैंने अभी सेल किया हुआ है तो अगर ये 25,000 पे क्लोज़ होता है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि ये 336 का जो प्रीमियम है वो मुझे पूरा का पूरा मिल जाएगा क्योंकि मैंने 336 पे सेल किया है। मैं 0 रुपीज़ या 0.5 पैसा पे बाई कर लूँगा या 1 रुपये पे बाई कर लूँगा तो ये पूरा प्रीमियम मुझे मिलेगा।
25,000 के नीचे थोड़ा भी बंद हुआ तो ये सारा प्रीमियम आपका। अब 25,000 के ऊपर जाएगा तो क्या होगा? अब 25,100 अगर हुआ तो इसका जो प्रीमियम है वो घट के हो जाएगा 100 रुपये, क्योंकि 25,000 से 100 पॉइंट ऊपर गया, तो इसका प्रीमियम क्लोजिंग पे होगा 100 रुपीज़। आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 236। सिमिलरली यहाँ पे होगा आपका प्रॉफिट 136, यहाँ पे हो जाएगा 36, यहाँ पे हो जाएगा -64 और यहाँ पे हो जाएगा -164। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सॉरी टोटल कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पूरे में, और ये एक लॉट था सो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 25 करूँगा। ये देखिए, ये 25,000 के ऊपर मार्केट कहीं भी जाए, आपको 14,650 का प्रॉफिट होना ही होना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसीलिए इस ऑप्शन स्ट्रेटेजी में आप यहाँ पे देखिए 14,650, उसका कैलकुलेशन बेसिकली ये है, क्लोजिंग पे आपको इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। अब बात आती है कि अगर मार्केट नीचे जाता है, जैसे कि यहाँ पे 10,000 आपको लॉस दिख रहा है, तो इस सिनेरियो में क्या करें? अभी इस सिनेरियो में आपको क्या करना है, ये 336 का तो प्रॉफिट आपको मिलना ही है, सो ये एक्सपायरी के दिन आपको ये पैसा मिल जाएगा 8,400 रुपये। अब बात आ रही है -750 की, तो जब अगस्त की एक्सपायरी हो जाएगी, आपको एक्सपायरी कैरी फॉरवर्ड करके सितंबर का बाई कर लेना है फ्यूचर्स। तो जब सितंबर का फ्यूचर्स वापस 24,000 से ऊपर आ जाएगा तो आपका जो ये लॉस है ये कवर हो जाएगा। बेसिकली जब तक मार्केट नीचे है आपको खाली कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आपको लॉस सिर्फ एक बार पीएनएल में दिखेगा लेकिन वो रिकवर हो जाएगा। अगर मार्केट थोड़ा भी करेक्शन देता है, आपको एक महीना लॉस भी हो रहा है, तो वो अगर आप फ्यूचर कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो नेक्स्ट मंथ में वो कवर हो जाएगा। सो ये लॉस आप कंसिडर मत कीजिए, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड करना है आपको अगर नीचे की तरफ बंद होता है तो, और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं, 14,650 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है। इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने का सबसे बेस्ट यही तरीका है कि आप 200 200 पॉइंट का मार्जिन रखें, अगर आप मल्टीपल लॉट्स में कर रहे हैं। मैंने जो किया था उसमें जब मार्केट 24,400 पे था तब एक फ्यूचर्स बाई किया था और एक कॉल बेचा था, फिर वो आ गया था थोड़ा नीचे 24,200 के आसपास, तो वहाँ पे मैंने और एक फ्यूचर्स बाई कर लिया, थोड़ा मैंने वेट किया, जैसे मार्केट ऊपर गया तो मैंने एक कॉल बेच दिया। अभी सिर्फ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एक्सपायरी का, जैसे जैसे एक्सपायरी आते जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल बेचा हुआ है मैंने, सितंबर जुलाई का कॉल बेचा हुआ है, अगस्त का कॉल बेचा हुआ है। सो इस तरीके से आपको हेज करना है, ऊपर में कॉल बेचना है और नीचे में फ्यूचर्स बाई करना है। सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, इसमें आपको ना इंट्राडे ट्रेडिंग करने की ज़रूरत है, आप एक बार अपना सौदा लगा के छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिकली मंथ एंड में आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी है आपको दे देगा। लॉस तो अगर नीचे की साइड जाता है तो ही होगा, बट वो रिकवर हो जाएगा। सो प्रॉफिट जो भी होगा वो आपको मंथ एंड में दिख जाएगा। समझिए, आपको अगर महीने का 50,000 रुपये चाहिए तो आप इसको इंटू 4 कीजिए या इंटू 3 कीजिए। सो इंटू 3 करेंगे तो आपको 43,950 का प्रॉफिट होगा, और अगर आप 4 से करते तो 58,600। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मार्जिन आपका लगेगा ज़रूर 80,000 के आसपास एक लॉट पे, बट श्योर शॉट प्रॉफिट है। आपको पूरा महीना ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना सौदा लगा के रिलैक्स कीजिए, मंथ एंड पे जो भी क्लोजिंग होगा उस क्लोजिंग पे आपको ये पैसा मिल जाएगा। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई हो, एक दो बार डमी ट्राई कीजिए, उसके बाद जब आप यूज टू हो जाएंगे, आप इसका होल्ड कर लेंगे अच्छा खासा, तब आप इसको कंटिन्यूस कर सकते हैं एंड मल्टीपल लॉट्स में कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट में कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं मुझे, सेम पेज है ट्रेडिंग विद जैकी, मैं वहाँ पे ट्राई करूँगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।